हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सम। आज मैं शेयर करूंगी एक चाइनीज़ रेसिपी, वेज हक्का नूडल्स। जब भी हम चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले वेज हक्का नूडल्स ही ऑर्डर करते हैं। अगर घर पे इसे बनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स से ये बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट नूडल्स, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और सब्जियों को सारे लंबाई में काटे, ये लंबाई में काटा हुआ एक बड़ा साइज का प्याज, स्प्रिंग अनियन, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैरेट, यह है पत्ता गोभी और हरी शिमला मिर्च और चॉप किया हुआ जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च, तेल, डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून, विनेगर 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट स्वाद के हिसाब से लेंगे। पहले नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए एक पतीले में पानी लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। पानी जब बॉईल होने लगे तभी उसमें नूडल्स ऐड करेंगे। इसे आप लोग तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद देखेंगे कि नूडल्स गल गया है। ये पूरा नहीं गलेगा, थोड़ा सा हल्का सा बाइट रहेगा। पूरा गल जाएगा तो नूडल्स रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखिए ये कट रहा है लेकिन पूरा नहीं गला है। आपके पैकेट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको भी फॉलो करके आप बना सकते हैं। मेरे वाले में 4 से 5 मिनट तक की टाइमिंग है। तो ये हो गया है, अभी इसको स्ट्रेन करेंगे। उसके लिए एक छन्नी लेंगे, उसके ऊपर नूडल्स को डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल छिड़क देंगे इसमें, ताकि नूडल्स एक के साथ एक चिपके ना। इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद नूडल्स बनाएंगे। अभी एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें 1 टीस्पून जिंजर चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून गार्लिक और अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च डालिएगा। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। अभी प्याज डाल देंगे, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सभी सब्जियों को लंबाई में काटे, बस हल्का सा ही फ्राई करना है, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और तब इसके बाद गाजर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि गाजर जल्दी से कुक हो जाए। बस 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है इसको। सब्जियों का जो क्रंच है वो इसमें रहना चाहिए। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। अभी इसमें हरी शिमला मिर्च, ये पीली वाली, और रेड, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से भी ये अच्छा होगा, स्वाद एक ही रहेगा। इसको भी हल्का सा मैंने टॉस कर लिया है। अभी इसमें कैबेज डालेंगे, यानी कि पत्ता गोभी। इसको मैंने बाद में डाला है क्योंकि ये पहले डालने से पूरा गल जाता, इसको बाद में डालें। और इसको भी थोड़ा सा कुक कर ले। ये फ्राई हो चुका है सब्जियां, ये थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा। तो अभी इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में भी पहले नमक डाला था मैंने और सोया सॉस में भी नमक होता है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया और 2 टीस्पून सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, और 2 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ना हो तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अभी इसको हाई फ्लेम पे, ये सॉस डालने के टाइम पे मैंने फ्लेम थोड़ा लो रखा था, अभी हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिला लेंगे हिलाते हुए। इस तरीके से हिलाने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप
दो स्पून लेके इस तरीके से भी इसको मिला सकते हैं, इससे आसानी होती है। सारे सॉस के सॉस जब नूडल्स के साथ मिल जाए इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अभी इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। ये नूडल्स बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।